हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन ज्योग्राफी ऑप्शनल बाय आदित्यास ऑनलाइन क्लासेस। सो वी आर स्टडिंग राइट नाउ ऑन द ओशियन वाटर टेम्परेचर, एंड आई थिंक दैट वी हैव स्टडीड मेनी ऑफ द पोर्शन ऑफ इट। इट मीन्स वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर एंड हाउ इट इंक्रीजेस एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द वेरियस थिंग्स over the temperature of ocean water. And so without wasting the time, let's come to the topic and let's start. So अब बात करेंगे हम महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण के बारे में। हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि किस प्रकार से विभिन्न कारक महाद्वीपीय जो जल होता है उसके तापमान को महासागरीय जल जो होता है उसके तापमान को बढ़ाने का कार्य करते हैं, और उसके लिए हमने जो है मेन रूप से चार कारकों को उठाया था वहाँ पे। जो हमारा पहला कारक था वो था अक्षांश, दूसरा था जल और स्थल का असमान वितरण, तीसरी हमने बात की थी प्रचलित पवनों के बारे में, चौथी बात हमने की थी समुद्री धाराओं के बारे में। तो दोस्तों, ये चार जो कारक हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये ही चार कारक जो हैं अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से महासागरीय जल के तापमान को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो चलिए, हमने उसके बारे में चर्चा कर ली किस प्रकार से महासागरीय जल का तापमान जो है बढ़ता है और उस पर कौन कौन से कारक प्रभावी होते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है, हम कुछ डाटा के बारे में चर्चा करेंगे कि कहाँ पे कितने तापमान होता है, ठीक है, कहाँ पे तापमान कितना होता है उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। आइए, तो आप जैसा कि हेडिंग देख पा रहे होंगे कि महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण की हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले कि जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो महासागरीय जल का तापमान है वो दो तरीके से प्रभावित होता है, एक क्षैतिज वितरण में क्षैतिज तल पे देखा जाए और एक जो होता है लंबवत। लंबवत का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सतह से गहराई की तरफ, जल में गहराई की तरफ जो तापमान का अंतर आता है उसे हम कहते हैं लंबवत वितरण, ठीक है। जो तापमान में जो वितरण होता है, टेम्परेचर जो जल में तापमान का वितरण होता है वो क्या होता है, लंबवत वितरण होता है। तो फिलहाल हम पहले चर्चा करेंगे तापमान के क्षैतिज वितरण पर। चलिए बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा है अक्षांश, तो इस कालम में अक्षांश आपको दिखाई देंगे और दूसरा कालम जो है इसमें तापक्रम, मतलब कि किस अक्षांश पर कितना ताप है और किस स्थान पे कितना ताप है, ठीक है। इधर हम कुछ डाटा हमारे पास है कि किस सागर में या महासागर में टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, ये अलग है, ये दो अलग है। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। देखिए, आप पहला जो हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है हमारे पास जीरो डिग्री टेम्परेचर, जीरो डिग्री अक्षांश जो यहाँ पे है, और इसका अगर ताप की बात करें, इसके एवरेज तापक्रम की बात करें तो कितना है यहाँ पे 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड जीरो डिग्री अक्षांश का औसत ताप होता है जल का, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर जो एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे है अगर, तो वो किसका है, जीरो डिग्री का ही है इन पूरे कालम में, ठीक है। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है इन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ दिस डेटा, ठीक है, वो हम चर्चा करते हैं इस पर। अब मुझे लगता है कि मैं चर्चा करूं उससे पहले ये आप चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से विभिन्न कारक जो है महासागरीय जल के तापमान को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो चूंकि आप देख पा रहे हैं जीरो डिग्री के पास ये, तो इसमें आपको एक चीज़ तो क्लियर बिल्कुल हो पा रही होगी कि ये जो है एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। अब आप देखिए, जब सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि सूर्यतप की अधिकतम मात्रा यहाँ पर मिलेगी। अब जब सूर्य तप की अधिकतम मात्रा मिलेगी तो यहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है। दूसरी बात करें तो अगर ये जो जीरो डिग्री जो हमारे पास अक्षांश है ये क्या है, देखेंगे आप तो ये बिल्कुल महाद्वीपों में ही भी नहीं है और बिल्कुल महासागरों में भी नहीं। इसके कुछ क्षेत्र जो हैं सागरों के ऊपर से गुजरते हैं, कुछ क्षेत्र जो है महाद्वीपों के ऊपर से गुजरते हैं। तो महाद्वीप और चूँकि स्थल भी हैं तो इस कारण भी क्या होता है, इसे टेम्परेचर में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरी बात अगर तीसरी बात अगर करें तो समुद्री धाराएं भी यहाँ पे गर्म होती हैं, ठीक है, उससे भी प्रभाव पड़ता है, और जो गर्म पवनें चलती हैं उसका भी प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। तो एक जो देखा जाए तो सामूहिक प्रभाव के कारण इसका जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो जाता है एवरेज टेम्परेचर। तो ये रहा हमारे पास जीरो डिग्री का डेटा। अब बात करते हैं तो जीरो 20 डिग्री दो 20 डिग्री अक्षांश की, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। क्यों होता है कम, जाहिर सी बात है, बस वही चारों फैक्टर आप अप्लाई कर दीजिए, आप खुद से भी समझ पाएंगे इसको। तो ये
हमारे पास दूसरा डाटा हो गया। तीसरे की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं जैसे 40 डिग्री अक्षांश पे हम पहुँचते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है एवरेज, और भी कम हो जाता है आके 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुक जाता है। 60 डिग्री अगर अक्षांश की बात करें तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर और कम हो जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाता है। और 90 डिग्री अगर हम अक्षांश की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर हमारा बिल्कुल 0 डिग्री पर आ जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो ये डेटा है, ठीक है, ये जितने भी डेटा यहाँ पर दिए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री से अगर हम जब उच्च अक्षांशों की तरफ जा रहे हैं, मतलब 0 से 90 डिग्री, तो 0 डिग्री जो है छोटा अक्षांश है, 20 डिग्री बड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप इस सेंस में मत समझिएगा जो अक्षांश रेखाएं उनकी लंबाई की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अगर उसकी बात करेंगे आप तो जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है तो बिल्कुल पॉइंट के तौर पर है, तब तो ये सबसे छोटी है। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे जो हम ये न्यूमेरिकल फॉर्म में जो हम उच्च अक्षांशों पर जा रहे हैं या फिर हम जो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ में ऊपर की तरफ या फिर साउथ में ऊपर की तरफ, मेरा यहाँ पे सेंस ये है कि उच्च मतलब कि उच्च अक्षांश में जाने का मेरा सेंस यही है कि हम लोग विषुवत रेखा से ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। तो जब उच्च अक्षांश में हम जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर हम देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है जल का वो लगातार घटता जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? एक तो सबसे बड़ा आपके पास जो कारण है वो पहला है अक्षांश से कैसे आप रिलेट करेंगे, जाहिर से वही सिंपल सी बात, यहाँ पे सूर्य तप की मात्रा जो है बहुत ही कम, तिरछी पड़ती है, पहली बात तिरछी पड़ती है। देखिए ये देखा जाए तो आयन वृत्त जो 23.5 डिग्री है, हमारा कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पे स्थित, उसके बाद तो सारे जो है मतलब अक्षांश पड़ते हैं उस पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती ही नहीं है, तिरछी पड़ती हैं। और उस पर भी हम अगर 90 डिग्री अक्षांश की बात करें तो जो सूर्य की किरणें बहुत ही दूर पड़ती हैं, और यहाँ पे एक देखा जाए तो सतह से ऊपर आ ही नहीं पाती है सूर्य किरणें, मतलब एक तरह से आप बस उजाला तो दिखेगा लेकिन सूर्य पूरी तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा वहाँ पे, ठीक है, मतलब सूर्य आपको दिखाई ही नहीं देगा, आपको बस उजाला नज़र आएगा वहाँ पे। तो तिरछी होती है तो इसलिए सूर्य तप की मात्रा यहाँ बिल्कुल कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा से जिस प्रकार से सूर्य तप की मात्रा कम पड़ने शुरू होती है उसी प्रकार से टेम्परेचर में गिरावट आना शुरू हो जाता है। मुझे आई होप कि ये चीज़ें बहुत ही आसान है क्योंकि आप इससे पहले चीज़ों को समझ चुके हैं कि कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, कैसे टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है, तो आप इसे आसानी से समझ लिए होंगे। चलिए मैंने कोशिश की आपको फिर से समझाने की। अब अगर बात करें हम कुछ एवरेज टेम्परेचर की ओशियन के, तो हम देखें प्रशांत महासागर का जो है 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है क्या है औसत तापमान है। अटलांटिक की बात करें तो 16.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। हिंद महासागर की बात करें तो 17.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिर अटलांटिक का टेम्परेचर इतना कम क्यों है, सबके कंपैरिजन में अटलांटिक का टेम्परेचर कम है, क्यों है ऐसा। मैं यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा रीज़न देता हूँ, वो रीज़न ये है, आप देखे होंगे अगर मैप की अगर बात करूँ, ठीक है, अगर मैं मैप की बात करूँ तो आप मैप में देखे होंगे कि जैसे देखिए ये मैप है, ठीक है, अब इस मैप में क्या है कि हाँ थोड़ा सा हम बात करते हैं, एक मिनट, ये आइए देखिए ये अटलांटिक ओशियन हमारा, ठीक है, आप देखेंगे कि नॉर्थ की तरफ भी अटलांटिक ओशियन जो ध्रुवों से पूरा खुला हुआ है, कोई स्थल पद नहीं है, स्थल नहीं है जो इसको रोके, इस कारण जो नॉर्थ जो पोल है वहाँ से जो ठंडी जो जलधाराएँ हैं, ठीक है, ठंडे जो पौने हैं, ठीक है, वहाँ का जो टेम्परेचर ठंडा है उसका प्रभाव जो है पूरे अटलांटिक महासागर में होता है। और यही चीज़ जो हमें साउथ की तरफ भी मिलती है, साउथ की तरफ भी ये खुला हुआ है, देख रहे हैं। इस कारण क्या होता है कि ये जो जल है यहाँ पे और जो यहाँ पे ठंडी समुद्री जलधाराएँ हैं वो क्या करती हैं, इनसे जो मिलने लगती हैं अटलांटिक महासागर के रेस्ट ऑफ द वाटर से मिलती हैं, जिस कारण क्या होती है इनका टेम्परेचर जो है अपेक्षाकृत इन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ओशियन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। लेकिन अगर आप प्रशांत महासागर यही बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर का जो एक ही क्षेत्र पर है, जो एक ही मतलब अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव ही इसका ओपन है, और जो उत्तरी ध्रुव है वो देखेंगे तो आप ओपन नहीं है बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे स्थलबद्धता है। देखिए ये USA यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, USA का अलास्का, ठीक है, और ये देखिए आपका जो है क्या है आपका ये नॉर्थ पोल है इधर ऊपर, यहीं से बिल्कुल यहीं से फिर स्टार्ट हो जाता है क्या आपका एशिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पूर्वी एशिया स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे खुलापन नहीं है, जिस कारण भी यहाँ पे समुद्री जल धाराएं जो है यहाँ के तापमान में अंतर को जो है वो समायोजित नहीं कर पाती हैं, बल्कि अंतर को बरकरार रखने में इस स्थल के बीच में होने के कारण जो है क्या मिलती है, सहायता मिलती है।
तो ये बात हमने रही, इस पर चर्चा हमने कर ली। आप जबकि दक्षिण में आप देखेंगे क्या है, ये बिल्कुल खुला है और नॉर्थ साउथ पोल से मिलता है, और यहाँ की जो है जो जल धाराएं हैं वो मिल जाती हैं सागर में बाकी जलों में, तो उससे क्या तापमान को नियंत्रित कर देती हैं। इस कारण जो थोड़ा बहुत बचता है तापमान इसका जो है वो क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और बात करें अगर तो प्रशांत महासागर का टेम्परेचर ने बात कर ली, हिंद महासागर की बात करें तो इसका भी टेम्परेचर आखिर इतना कम क्यों? पहली बात तो देखिए ये है कि हिंद महासागर की जो जो हिंद महासागर का जो अच्छांसी विस्तार है कम है, ठीक है, अच्छांसी विस्तार कम है। दूसरी बात ये भी है कि हिंद महासागर का नॉर्थ में जो है बिल्कुल बंद है, ये केवल खुला कहाँ पे है, साउथ में केवल खुला है, जैसा कि ये देख पा रहे हैं हिंद महासागर। तो इस कारण इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है अटलांटिक महासागर से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बंद है, ये तो नॉर्थ पोल से कोई संपर्क ही नहीं है हिंद महासागर का, ठीक है। जो संपर्क है हिंद महासागर का वो किससे है, वो बिल्कुल साउथ पोल से ही है, ठीक है। और इस कारण जो है इसको हम देखते हैं कि इसका तापमान जो है थोड़ा सा मेंटेन होता है आकर 17.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब बात करें कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ और डाटा हैं, जैसे कि लाल सागर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फारस की खाड़ी की बात करें तो 94 डिग्री फारेनहाइट। देखिए 4 फारेनहाइट में लिखा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि इस डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना था, इसको फारेनहाइट में हमने गलती से लिख दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये लाल सागर का जो टेम्परेचर है और जो फारस की खाड़ी का टेम्परेचर है कमोबेश सेम है, ठीक है। तो अगर इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में चेंज करेंगे तो भी ये भी जो है 94.5 के आसपास आएगा, और इसको अगर आप फारेनहाइट को अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो ये भी जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही आएगा। दूसरी बात है बंगाल की खाड़ी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अरब सागर 25 डिग्री, और बाल्टिक सागर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आइए ग्लोब पेन को हम क्या कर लेते हैं, स्पॉट कर लेते हैं कि आखिर ये जो हमारे पास एरियाज हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है। आइए तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये हमारा भारत है, तो ये देखिए जो एरिया यहाँ पे ये जहाँ मैं आपको स्पॉट करा रहा हूँ, ये जो है हमारे पास फारस की खाड़ी है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना हमने बताया है 34 डिग्री, सॉरी 13 देख लेते हैं 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम रेड सी की बात करें तो इसका भी हमने 94 डिग्री फारेनहाइट बताया है, जो कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड के ही आसपास है, ठीक है। टेम्परेचर इसका ज़्यादा क्यों है उसका भी मैं कारण बता देता हूँ आपको। देखिए यह असल से गिरा हुआ भाग है, ठीक है। अब बहुत ही कम इसका मुंह खुला है, मतलब रेस्ट ऑफ द ओशियन से मिला हुआ नहीं है देखा जाए पूरी तरीके से। तो स्थल की अधिकता के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, पहली बात दोनों का। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे जो है ये आयन वृत्त पे पाया जाता है ना, जैसे ये देखिए आपकी यहाँ से जो है आपकी कर्क रेखा जाएगी, तो इस कारण यहाँ पे तापमान जो ज़्यादा मिलता है, और जब तापमान ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, सूर्य तब ज़्यादा मिलेगा जब सूर्य की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, इससे क्या होगा तापमान इसका बढ़ जाएगा। और ये देखिए भूमध्य सागर है, ये भी देखते हैं यहाँ कि आप आयन वृत्त के पास में ही स्थित है, इस वजह से इसका भी टेम्परेचर बढ़ता है, और साथ ही साथ ये क्या है स्थलबद्ध से बद्ध है इसलिए भी इसका टेम्परेचर बढ़ता है। और तीसरी बात यह है कि ये बंद सागर है, ठीक है। तो ये रीज़न आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही आसान रीज़न है सब, हमने चर्चा पहले ही कर चुकी है। अब हमने नीचे देखा था एक बाल्टिक सागर है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, ये देखिए बाल्टिक सागर। अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ये जो है अरब सागर है ये बंगाल की खाड़ी है। बाल्टिक सागर का टेम्परेचर हमने देखा 0 डिग्री, मैंने आपसे कहा था कि जब हम कुछ 5600 में जाते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है कम होने लगता है, जैसे कि हमने 90 डिग्री पे देखा था कितना था 0 डिग्री। ये देखिए बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर यहाँ पे है, ये नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड ये पोलैंड बर्लिन अगर यहाँ पर देखा जाए जर्मनी के, तो इनसे इनके तटों तट जो है इनके मिलते हैं आके यहाँ पे। अब चूंकि ये उच्च अक्षांश में है और यहाँ पे सूर्य की मात्रा तिरछी पड़ती है, इस वजह से भी इसका टेम्परेचर कम होता है। और दूसरी बात जो ये है कि ये स्थलबद्ध है, तो इसका भी चूँकि स्थल ठंडा होगा तो ये भी ठंडा होगा अपेक्षाकृत, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, स्थलों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो हम क्षैतिज वितरण जो हमने पढ़ा अभी को ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अगर इसके बाद भी आपको क्लियर नहीं है, तो कोई भी डाउट आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं फिर से क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आइए बात करते हैं अब लंबवत वितरण की बात करते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम बना रखे हैं, एक तो आप समझ ही जाएंगे कि गहराई है, दूसरा टेम्परेचर जो है हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में है, और तीसरा जो है डिग्री फारेनहाइट में है। तो देखिए गहराई यहाँ पे जो है इसे आप ध्यान रखेंगे कि ये तो गहराई मीटर में नहीं है, बल्कि गहराई किस में है, ये गहराई फैदम में है, ठीक है। ये गहराई हमने फैदम में बात की, फैदम में, सॉरी अच्छा नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा जो है 100 फैदम की गहराई है, मैंने आपको बताया था कि 1 फैदम में हमारा कितना कितना फिट होता है,
6 फुट होता है, ठीक है। तो एक 100 फैदम में कितना हो जाएगा, 600 फीट हो जाएगा। तो 100 फैदम की गहराई पे हमारा जो डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान होता है कितना होता है, 16 डिग्री। ये देखिए आप, ये समझ में तो आ रहा है ना आपको कि हम यहाँ पे गहराई किस तरह से नाप रहे हैं। मान लीजिए ये सतह है समुद्र की, ठीक है। तो यहाँ पे गहराई हमारा मापने का तरीका क्या है, हम लंबवत मतलब हम समुद्र की सतह से नीचे आके गहराई को माप रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 100 फैदम पे आए तो हमें 16 डिग्री सेंटीग्रेड मिला, फिर हम 200 फैदम पे आए तो हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिला, फिर हम 500 फैदम पे आए तो हमें 7.2 सेंटीग्रेड मिला, ठीक है। फिर उसी तरह से हम 1000 फैदम पे आते हैं तो हमें 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर हम 22 फैदम पे आते हैं तो हमें 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलता है। तो इस तरह से हम जो है मास सागरीय तापमान का लंबवत वितरण की बात करते हैं। तो कुछ डेटा हमारे पास ये थे। चलिए, हमने दोनों की चर्चा कर ली, अब हम मूव करते हैं अगले पे। तो अब हम आपको एक फिगर दिखाने वाले हैं, ये रहा वो फिगर। जी हाँ, इस फिगर को हम थोड़ा समझते हैं, आपको समझने के लिए कुछ चीज़ें इसमें दी गई हूँ। देखिए, पहले तो क्या है कि ये देखिए स्थल है, ठीक है, समुद्र के नीचे का भाग है, समुद्र के नीचे का भाग है। अब मान लीजिए कि ये जो है, मतलब ये सब बेसाल्टिक संरचना है, ठीक है, बेसाल्ट के बाद, क्योंकि समुद्र का जो नीतल है वो किससे बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ है। अब ये देख रहे हैं आपकी जो समुद्र की सबसे तली में जो गहरा जल है, जो सबसे गहरा जल है, सबसे गहरा में, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप बिल्कुल समझ लीजिए। वो क्या है कि जो समुद्र, देखिए जो सतह का जल होता है वो क्या होता है, अयन वृत्तों के पास में जो सतह का जल होता है वो सूर्य तप के कारण जो क्या होता है, टेम्परेचर में उसमें कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। और लेकिन जब हम उच्च अक्षांशों पर जाते हैं, मतलब हम 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ या फिर 60 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक है। वो अंतर बहुत ही नगण्य होता है कि सतह से आप नीचे जाएँ तो टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से, मतलब रेट ऑफ चेंज, ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि जो टेम्परेचर ऊपर रहता है कमोबेश वही टेम्परेचर नीचे भी रहता है तल में, ये हम उच्च अक्षांशों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर का मान लीजिए ऊपर ठंडा जल है सतह के पास, तो नीचे भी आएंगे तो ठंडा जल ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पॉइंट में डिफरेंस होता है, पॉइंट में सेंटीग्रेड्स का। और अगर बिल्कुल हम सतह की बात करें, सागर के, सॉरी नीतल की बात करें, तो वो क्या होता है, बिल्कुल ही ठंडा होता है जल, बिल्कुल ठंडा होता है, कहीं पर भी अंतर नहीं आता, चाहे लंबवत हो चाहे वो क्षैतिज हो, कोई भी अंतर वहाँ पर नहीं आता, बिल्कुल जल का जो तापमान होता है एक समान होता है, यूनिलेटरल होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ की, और थोड़ा सा उसके आसपास, क्योंकि प्रभाव जो है उसके आसपास भी पड़ जाता है सूर्य का, तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सतह का जो जल जल है वो क्या है, गर्म होता है सूर्य तप की वजह से। और नॉर्थ वाले में देखते हैं तो स्थल की उपस्थिति की वजह से भी गर्म होता है, तो इसकी वजह से होता है। लेकिन जब सतह से हम कुछ नीचे आते हैं जहाँ तक सूर्य तप का मात्रा जो है ज़्यादा रहता है प्रभावित, वहाँ तक जल जो है ज़्यादा मात्रा में गर्म होता है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं, जब जल जो है धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है नीचे की तरफ, तो जब ठंडा होना शुरू होता है तो वो क्या होता है, एक संक्रमण परत हो जाती है वो, मतलब वहाँ पे तापमान जो बहुत ही गर्म नहीं होता है, बहुत ही ठंडा नहीं होता है, तो वही एक संक्रमण परत जिसे हम ताप प्रवणता कहते हैं, मतलब वो ताप एक तरफ से गर्म से ठंडे की तरफ मूव करना शुरू करता है, तो कुछ दूर तक वो संक्रमण परत, ऐसे मोटी संक्रमण परत जो है जल में पाई जाती है, जिसके ऊपर क्या होता है, गर्म जल होता है, नीचे ठंडा ही ठंडा जल होता है। एक चीज़ आप यहाँ पे और ध्यान से देखेंगे कि आप अपने जब आप अपना चित्र बनाएंगे तो उसमें भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइनिंग है 60 डिग्री नॉर्थ, ये जो 60 डिग्री साउथ है, ये ऐसा मत समझिएगा आप कि ये जो मैंने गलती से इसको यहाँ पे लिख दिया है यहाँ की बजाय, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है यहाँ की बजाय, ऐसा नहीं। देखिए नॉर्थ में ऐसा क्यों है कि जो ठंडा जल है वो क्या है, 60 डिग्री के पास में ही मिलता है, ठीक है, मतलब 60 डिग्री के बाद मिलता है पूरी तरीके से अगर देखा जाए यूनिलेटरल तो। और साउथ में ऐसा क्यों है, पहले ही मिल जाता है। देखिए उसका रीज़न ये है कि नॉर्थ में जो है स्थल मिलते हैं जिस कारण जो है जल ज़्यादा ठंडा हो नहीं पाता है, और जो जल होते हैं बाकी एरिया में वो क्या होते हैं, मिल नहीं पाते एक दूसरे से, इस कारण से भी जो है तापमान में जो है एकरूपता नहीं आ पाती है। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में क्या होता है कि स्थलों का जो है ज़्यादातर अभाव है, तो इस कारण जो है जल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो बिना रुकावट के जल संचरण करते हैं, तो वो क्या करते हैं अपना टेम्परेचर एक दूसरे का टेम्परेचर क्या होता है उनमें मिल जाता है, इस कारण जो है एक रूपता उनके टेम्परेचर में, उनके तापमान में एक रूपता आ जाती है। इस कारण भी जो है कि 60 डिग्री साउथ के जो है बिल्कुल करीब से बिल्कुल पास में, मतलब एक एक रूपता इनके तापमान में आ जाती है।
और यहाँ पे हमने बात कर ली है 0 डिग्री है, इस बात को आप समझ चुके होंगे गर्म तापमान यहाँ पे है जल का क्योंकि सूर्य तप की मात्रा पड़ रही है। ताप प्रवणता भी आप समझ चुके होंगे कि एक संक्रमण परत है ऊपर जिसके गर्म जल है नीचे ठंडा जल है। तो ये चित्र है आप इसे बना लीजिएगा समझ लीजिएगा। अब हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं चित्र क्या कहता है। तो चित्र कहता है कि महासागरों के ऊपरी देखिए यहाँ पे परत पर ठीक है आप इसमें परत बीच में यहाँ पे परत जोड़ लीजिएगा। महासागरों के ऊपरी परत पर प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा पर सूर्य की किरणों का तिरछापन हमने बात कर ली है, दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, अब वायुमंडल का स्वभाव आदि का प्रभाव अधिक होता है। देखिए सूर्य के तिरछापन मतलब ये सीधे सीधे अक्षांश की बात कर रहे हैं, सूर्य सीधा रहेगा तो ज़्यादा सूर्य तप मिलेगी ज़्यादा गर्म होगा, सूर्य तिरछा होगा तो कम सूर्य तप मिलेगा कम गर्म होगा। दिन की अवधि की बात करें कि अगर दिन ज़्यादा लंबा होगा तो सूर्य तप की मात्रा अधिक मिलेगी, दिन छोटा होगा तो कम मिलेगी मात्रा, और जब सूर्य तप की मात्रा अधिक मिलेगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा गर्म होगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी ये भी देखिए एक कारक है, अगर हम देखें तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब होता है, सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक मेरे ख्याल से 4 जुलाई को होता है ठीक है, और सबसे दूर कब होता है 3 जनवरी को। तो अगर देखा जाए कायदे से नहीं माफ़ कीजिएगा, सबसे नज़दीक जो होता है सूर्य जो है वो 3 जनवरी को होता है और सबसे दूर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उससे भी इसका प्रभाव पड़ता है, सूर्य नज़दीक होगा तो जाहिर सी बात है ताप में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है लेकिन वो बहुत ही कम होता है। जो मेन होता है वो अक्षांश की बात होती है, दिन रेखाओं दिन और रात की अवधि के बारे में बात होती है। तो हमने बात की कि जो सूर्य जो होता है कि 3 जनवरी को सबसे पास में होता है पृथ्वी के और 4 जुलाई को सबसे दूर में होता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर वायुमंडल का स्वभाव कैसा है ठीक है, इसका भी प्रभाव पड़ता है हमने चर्चा कर ली है। अगर गर्म वायुमंडल है तो उससे भी क्या होगा कि सतह का जल गर्म होगा, ठंडा है तो ठंडा होगा ठीक है। चलिए फिर इसके बारे में चर्चा कर ली है। वायुमंडल अगर साफ है तो भी जो है बातें जो है क्लियर आपको हो चुकी हैं पहले से। अब बात करते हैं आगे कुछ हम चीज़ों के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी ले लेते हैं। आइए देखिए पहला हमारे पास जो है वो ये है, महासागरीय जल में ठंडे एवं गर्म होने की प्रक्रिया स्थल से थोड़ी भिन्न होती है। मतलब कि महासागरीय जल देर में ठंडा होता है और देर में क्या होता है गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा स्थल से अधिक होती है, विशिष्ट ऊष्मा स्थल से अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम क्लास 10 से इंटरमीडिएट फिर आपने ग्रेजुएशन किया होगा उसमें भी पढ़ा होगा आपने ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है जल की वो क्या होती है स्थल से अधिक होती है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा का मैं समझा देता हूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैं बता देता हूँ क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, कोई भी दो चीज़ अगर है ठीक है, कोई भी दो चीज़ है अगर आप उसको समान ताप मतलब या उसको अगर दोनों को ही अगर आप मान लीजिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं ठीक है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप दोनों को हीट कर रहे हैं तो कायदे से तो ऐसा होना चाहिए कि दोनों को जो है उसी टेम्परेचर के अनुपात में उनका जो है एनर्जी हो जाना चाहिए, मतलब टेम्परेचर उनका हो जाना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए उनको ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, होता क्या है कि कुछ वस्तु जो होती है उतने टेम्परेचर पर कम गर्म होती है और कुछ वस्तुएँ जो होती है उतने टेम्परेचर पर अधिक गर्म हो जाती हैं, समझ रहे बात आप। जैसे कि अगर हम बात करें पानी की बात करें और अगर हम तेल की बात करें तो आप देखेंगे तेल जल्दी गर्म हो जाता है, पानी थोड़ा लेट तक गर्म होता है ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा में अंतर होता है, मैंने यही आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया है कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं समान ताप पे जो है जल्दी गर्म हो जाती हैं और कुछ वस्तुएं उसी समान ताप पे जो है देर से गर्म होती हैं, और ये निर्भर करता है उनकी विशिष्ट ऊष्मा पे ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा स्थल से अधिक होती है ठीक है। इसका मतलब यह है कि जल को गर्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है, जबकि स्थल को गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है स्थल से अधिक है ठीक है। तो स्थल से अधिक होने के कारण जो है स्थल को गर्म होने में कम समय लगता है और जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है स्थल से अधिक होने के कारण क्या है उसको ज़्यादा समय लगता है गर्म होने के लिए। फिर से मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि जल की विशिष्ट ऊष्मा स्थल से अधिक है जिस कारण स्थल को गर्म करने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है और सॉरी जल को गर्म करने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है और स्थल को गर्म करने के लिए कम समय देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार स्थल को ठंडा होने में भी कम समय लगता है और जल को ठंडा होने में ज़्यादा समय लगता है, क्यों, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है। चलिए अगले की बात करें अगर, तो पुनः सागरी जल में क्षैतिज एवं लंबवत गतियाँ भी पाई जाती हमने बात कर ली है, जो सागरी जल के तापमान के विसरण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं
ठीक है। अब देखिए जब तापमान में अंतर होगा और लंबवत तो क्षैतिज गति पाएगी, तो जो अंतर हुआ तापमान में क्या होता है, वो जो गति होगी जल के सागरी जलों में, उन गति के कारण जो अंतर होगा तापमान में, वो क्या होगा, एक दूसरे से मिल जाएंगे, जिस कारण भी क्या होगा उनके जल में जो है तापमान में जो है अंतर, जो ज़्यादा अंतर है वो कम हो जाएगा, या फिर कम अंतर है तो वह एक रूपता की तरह, एक रूपता जैसे आ जाती है उसमें, और एक रूपता आ जाती है। फिर आगे बात करें अगर हम, तो लेकिन पृथ्वी के स्थलीय भाग की तरह ही सागरी भाग में ऊष्मा संतुलन की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जितना पृथ्वी, मतलब जितनी स्थल स्थल भाग स्थलीय भाग जो जितनी ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, उतना ही वो क्या करते हैं, ऊष्मा को जो है वायुमंडल में भेज भी देते हैं वापस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो सागरी जल होता है, जो सागरी भाग होता है, ऊष्मा का जितना अवशोषण करता है उतना ही ऊष्मा वापस वो वायुमंडल में भेज देता है, इसे हम ऊष्मा संतुलन कहते हैं। और हमने ऊष्मा बजट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, हीट बैलेंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक गहराई की ओर तापमान में गिरावट होती है, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी थी इसके पहले वाले चित्र में, जो चित्र हमने देखा था। तो उसमें क्या कहते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक गहराई की ओर, मतलब ये अगर मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, और यहाँ से ध्रुवों की ओर जब गहराई, ये मान लीजिए ध्रुव है आपका, पोल है ये पोल, ठीक है, गहराई की ओर तापमान में गिरावट असमान दर से होता है, असमान दर से होता है। मतलब ऐसा नहीं कि जब गहरा हम नीचे जाते हैं तो तापमान में जो गिरावट, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 100 फैदम नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे तापमान जो है आपका कितना गिर रहा है, अगर मान लीजिए कि 16 डिग्री टेम्परेचर का तापमान गिर रहा है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि फिर हम यहाँ पे भी अगर 100 फैदम नीचे जाएँ तो टेम्परेचर यहाँ पे 16 डिग्री ही गिरे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हो सकता है कि 100 फैदम जाने पर हमारा टेम्परेचर कम ही गिरे, क्योंकि हो सकता है यहाँ का क्योंकि हो सकता है यहाँ के स्थल का तापमान ही ऑलरेडी जो क्या हो 4 डिग्री के आसपास हो या फिर 0 डिग्री के आसपास हो, तो नीचे जाएंगे तो हमें 0 डिग्री ही मिलेगा, अंतर ज़्यादा हमें दर में अंतर ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। लेकिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम विषुवत पे बात करें, भूमध्य रेखा पे बात करें, तो हो सकता है यहाँ पे सतह का तापमान क्या हो, 26 डिग्री हो, ठीक है, 27 डिग्री हो, जब 100 फैदम हम नीचे जाएँ तो वहाँ पर 16 डिग्री हो जाए, तो अंतर क्या होगा, ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, दर में परिवर्तन ज़्यादा है यहाँ पे। तो वही बात ये समझाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक गहराई की ओर तापमान में गिरावट असमान दर से होता है, परंतु सागर नीतल का तापमान सभी क्षेत्रों में समान रहता है। देखिए जो मैंने इसके पहले चित्र बनाया था, मैंने उसको दिखाया था कि देखिए नीचे का जो तल, जो सागर का नीतल, उसमें जो टेम्परेचर जो है जल का क्या है, हर जगह समान है, चाहे आप भूमध्य रेखा की बात करें चाहे आप ध्रुवी क्षेत्रों की बात करें। लेकिन जो ऊपर सतह का जो जल है उसमें क्या होता है, भूमध्य रेखा पे अगर बात करें तो सतह के जल में जो है तापमान में जो परिवर्तन की दर जो है ज़्यादा होती है, लंबवत अगर हम नीचे आए सतह से गहराई की तरफ। लेकिन ध्रुवों पे क्या होती है, ऐसा नहीं होता, कम होती है, बल्कि ध्रुवों पे जो तापमान होता है सतह पे वही लगभग कमोबेश नीचे भी होता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है। अतः भूमध्य सागर में गहराई के अनुसार तापमान में कमी की दर अधिक होती है, मैंने बता दिया आपको कमी की दर अधिक होती है, जबकि ध्रुवों की ओर गहराई की ओर तापमान में घटने की दर कम होती है, मैंने आपको इससे पहले जस्ट चर्चा की अभी कि ऐसा क्यों होता है। चलिए और कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स, फिर बात करते हैं। तो कहते हैं कि उच्च अक्षांश में बंद सागरी क्षेत्रों में तापी प्रतिलोमन की स्थिति होती है, अर्थात सतह का तापमान कम होता है जबकि गहराई में तापमान अधिक होता है। लेकिन ये उच्च अक्षांशों में कह रहे हैं कि बंद सागर, सागर क्या है यहाँ पे, बंद सागर। तापी प्रतिलोमन मतलब ये होता है कि अगर हम बात करें उसके बारे में, तो गहराई में तापमान इसका अधिक होता है जबकि सतह पर तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये तापी प्रतिलोमन यही होता है कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि सतह पे तापमान अधिक होता है, गहराई में तापमान कम होता है। लेकिन तापी प्रतिलोमन में क्या होता है कि गहराई में तापमान अधिक हो जाता है और सतह पे कम हो जाता है। ऐसा क्यों, देखिए उच्च अक्षांश में क्या है, बंद सागरी क्षेत्र है, जब सागर क्षेत्र कोई बंद सागरी क्षेत्र अगर होगा तो स्थल से घिरा होगा, इसका मतलब, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो बाकी जो महासागर के क्षेत्र हैं उनके जल से और उस बंद सागरी जल के जल में कोई भी मिलावट नहीं हो पा रही है, जल एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा है, जिस कारण जो खुला हुआ सागर है उसका जो ठंडा जल है वो आपके जो बंद सागर है उसके ठंडे जल से नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इसका जो प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। तो वो हम समझते हैं, अब ये हम समझते हैं कि आखिर ऊपर क्यों तापमान जो है कम है और नीचे गर्म क्यों है। देखिए ऊपर तापमान कम होने का कारण ये है कि पहली बात तो उच्च अक्षांश है, तो इस कारण क्या होगा, सूर्य तप की मात्रा कम पहुंचेगी तो तापमान जो है जल का नहीं बढ़ेगा, कम ही रहेगा। दूसरी बात ये है कि उच्च अक्षांश है तो स्थल जो है वहाँ पे
तो स्थल के कारण क्या होता है कि जो गहराई में तापमान है, जो जल का जो गहराई में तापमान है, वो तापमान स्थल की उपस्थिति के कारण जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, जो ऊपर का तापमान है, ठीक है, जो जो गहराई का तापमान है वो स्थल की उपस्थिति के कारण नीचे जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि ऊपर की ऊपर का तापमान कम क्यों रहता है, क्योंकि सूर्य तक की मात्रा कम पहुँचती है, ठीक है। और तो बस यही बात है कि नीचे गहराई की तरफ स्थल की उपलब्धता उपस्थिति के कारण इसका तापमान अधिक हो जाता है, और ऊपर चूंकि सूर्य तत्व की मात्रा कम पड़ती है, इससे तापमान जो है कम रहता है। यही बातें हैं। चलिए कुछ बात और देखें। तो वैसे वैसे सागर जो उष्ण क्षेत्र में स्थित हैं, अन्य सागरों से या बाहरी क्षेत्रों से जल का मिश्रण नहीं होता, गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। अब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई उष्ण क्षेत्र में कोई सागर स्थित है, ठीक है, और वो बाहरी क्षेत्रों से उसका जल का मिश्रण नहीं हो रहा है, मतलब ये भी एक बंद सागर ही है, ठीक है, तो गहराई पर भी तापमान अधिक पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ठीक बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है, और वो है अक्षांश। देखा जाए तो अगर उष्ण उष्ण क्षेत्र में कोई सागर स्थित है और वही बंद है, तो और बाकी सागरों से उसके जल का मिलावट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि जो सूर्य तप की मात्रा है वहाँ पे अधिक पड़ेगी, क्योंकि वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, और अधिक पड़ेगी तो उससे क्या होगा, उसका तापमान जो है जल का क्या होगा, गर्म होगा, ज़्यादा होगा। और दूसरी बात यह कि स्थल जो उसके आसपास है वो भी गर्म होंगे, जिस कारण उसके नीचे का भी तापमान क्या होगा, गर्म होगा। और दूसरी बात ये भी है कि तीसरी बात ये भी है कि जो सूर्य तक की मात्रा होती है वो जल में क्या करेगी, जल को क्या करेगी, अंदर तक जो है गर्म करेगी, करने का प्रयास करेगी कुछ अंदर तक, इससे भी तापमान में उसके अंतर आएगा। देखा जाए मिला जुला के तो कई कारक हैं जिसकी वजह से ऐसा होगा। और तीसरी बात ये भी है कि जो पवने चलेंगी वहाँ पे, गर्म पवने चलेंगी तो वो भी तापमान को बढ़ा देंगी सतह के, ठीक है। तो ये भी कारण यहाँ पे कई हैं। अब यहाँ पे बात करें तो लाल सागर, सार्गेसो सागर, भूमध्य सागर, ये सागर क्या है, हमारे एग्जाम्पल एग्जाम्पल हैं जिसकी हमने चर्चा इसके पहले कर ली है। जैसे कि ये लाल सागर आपका है, ये भूमध्य सागर आपका है, और अगर आपको मैं सार्गेसो सागर दिखाना चाहूँ तो ये देखिए जो है आपका सार्गेसो सागर है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन जब हम आगे जल धाराओं की चर्चा करेंगे तो हम पूरी तरह से समझेंगे उसको, ये सार्गेसो सागर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो अस्पष्ट है कि क्या कि महासागरों का तापमान को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक एवं कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब महासागरों का जो ताप है वो तापमान को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक एवं कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है। चलिए तो इस चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली। अब हम थोड़ा सा बता दें कि अब हम विभिन्न महासागरों के तापक्रम का क्षैतिज विवरण चित्र से समझेंगे। देखिए अब हमने चूँकि काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपना ये टॉपिक आज कहीं रोकना चाहिए। अब अगले टॉपिक हम बात करेंगे, जिसे आप देख पा रहे हो समताप रेखाएँ, अगले टॉपिक में हम समताप रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर अभी तक जो पढ़ाया गया है उसमें कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आपकी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे ज़रूर से बताएं कि वीडियो आपको क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, और मुझे ये भी बताएं कि आप क्या क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और चूँकि ये बिल्कुल फ्री है, इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आप फ्री पूरी ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं, हम लोग पूरी ज्योग्राफी का हम लोग कवर करेंगे। और जीएस की अगर कॉन्सेप्चुअल अगर टॉपिक्स की बात करें, तो जिसको जीएस में ज्योग्राफी में कहीं कहीं प्रॉब्लम है तो कॉन्सेप्ट के लिए इसको देख सकते हैं, आराम से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस कारण आप इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन ज़रूरतमंद लोगों तक तो पहुँचाने का प्रयास करें जो कोचिंग नहीं जा सकते, या फिर अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ज़्यादा भारी भरकम फीस नहीं दे सकते। ये आपकी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचाने का कार्य करें, जिससे कि वो लोग भी क्या हो सकें, इससे कहते हैं कि इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे समताप रेखाओं की, और चित्र के माध्यम से समझेंगे हम ताप महासागरों के तापमान का क्षैतिज वितरण, ठीक है। नमस्कार।